हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिज आज ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है जो अब हर दिन हर जगह हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ब्रिज के बारे में हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज रहना है एज ए इंजीनियर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप ये अटैच किए हुए पिक्चर को अच्छे से देखें तो इसमें देख सकते हैं दो साइड में दो एबटमेंट्स है और ब्रिज में जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स है ऑरेंज कलर के वो हो गए हम लोग के पायर। हर एक ब्रिज में एबटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, बिना एबटमेंट का कोई भी ब्रिज नहीं होता है। लेकिन कोई में पायर हो भी सकता है और किसी में पायर नहीं भी हो सकता है। चलिए एज एन एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि पिक्चर में जो इमेज देख रहे हैं अभी आप वो है टू स्पान का ब्रिज। अब ये स्पान क्या होता है? स्पान इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एबटमेंट और बिटवीन टू पायर और यू कैन से बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ वन एबटमेंट और वन पायर। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये पकड़ लें कि कोई ब्रिज में खाली दो ही एबटमेंट है, एक रास्ता आया है वो जो मीट कर रहा है एक रिवर से, तो जो क्रॉस कर रहा है रिवर से तो वो रिवर का जो विड्थ है वो उतना ज़्यादा नहीं है। उसमें जैसे मान लीजिए 20 मीटर हो गया कि 24 मीटर हो गया। अब जो स्ट्रक्चर से हम लोग का डिज़ाइन बना के दिया जो स्ट्रक्चर इंजीनियर वो हमको दे दिया कि उधर में एक स्ट्रक्चर आपको बिठाना है और ये एंड में आपको एक बिठाना है, बस। तो हो गया इधर का वाला। आप अलोंग द ट्रैक अगर जाएंगे तो पहले जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो गया आपका एबटमेंट वन और जो आपका रिवर का उस पर में जो होगा वो हो गया स्ट्रक्चर ए टू। अब ये दोनों का बीच का जो गैप है जो हम लोग ऊपर में गर्डर बिठाएंगे या सुपर स्ट्रक्चर में जो भी करेंगे उधर वो सिंगल स्पान हो गया, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट बीच में और कुछ है नहीं। अब यही केस में अगर आप मान लीजिए कि रिवर का विड्थ जो है वो ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर से डिज़ाइन होकर आया है कि इधर में एक एबटमेंट बिठाना है, बीच में आपको एक पायर बिठाना है और ब्रिज का वो एंड में आपको एक एबटमेंट बिठाना है। तो ये जो ए वाला जो अलोंग द ट्रैक जाने से आपका पहला जो एबटमेंट मिलेगा ये हो गया आपका ए वन, रिवर का जो बीच में है वो हो गया पी वन यानी पायर वन और एंड साइड में जो है वो हो गया आपका ए टू यानी एबटमेंट टू। तो यहाँ ए वन और पी वन का बीच में एक स्पान हो गया और ए टू और पी वन का बीच में हो गया दूसरा स्पान। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये इमेज आप अच्छा से देखते हो तो इसमें लिखा होगा कि पाइल, पाइल फाउंडेशन होता है जहाँ आपका सॉयल का बियरिंग कैपेसिटी कम होता है उधर में हम लोग पाइल प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो आज पाइल का जाली कैसे बनाना है, केज कैसे बनाना है, क्या कैसे है, उसका बारे में डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये वाला हो गया आपका पाइल फाउंडेशन का, जो हम केज बोले तो केज बोल सकते हैं या जाली बोल सकते हैं। तो इसको हम पहले सोयल में बोरिंग करेंगे, करने के बाद जो लेवल दिया गया है हम लोग को वो लेवल मेंटेन करके हम इसको डालते हैं उसके अंदर में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मोटा मोटा करके जो रॉड दिखा दे रहा है खड़ा होके वो हो गया आपका वर्टिकल रॉड्स, वो खड़ा जाएगा और वो जो आपका बेंड होकर जा रहा है अंदर में उसे हम लोग कहते हैं बाइंडर। सो बाइंडर ये काम करता है जितना वर्टिकल रॉड है उसको कस करके पकड़ के रखता है। तो आज हम ड्राइंग के साथ तो एकदम मतलब बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए आप अच्छा से और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए ये हो गया हम लोग का जो ड्राइंग का डिटेल्स है,
दो डिपार्टमेंट के द्वारा। इधर देखिए लिखा है पाइल डाया 1000, यानी कि 1 मीटर डाया का ये पाइल है। तो ये रो में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 2 पाइल है। ये जो हम देख रहे हैं ये हम परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट खड़ा होके हम अगर ये सेक्शन में देखेंगे तो ऐसा सेक्शन आएगा। और एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। ये जो आपका 15 मीटर 15 मीटर करके दिखा रहा है, ये हो गया आपका एक स्पान। एक स्पान है मतलब 2 स्पान है इसमें, 15 15 30 मीटर हो गया है। ओवरऑल लेंथ इसका है 32.058, तो इसमें आपका एक्सपेंशन गैप आएगा, ठीक है, और बहुत कुछ आएगा तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी ड्राइंग को थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिए, ड्राइंग को समझ लीजिए। ड्राइंग को लेकर जितना भी डाउट्स रहेगा मैं अगला एक सेशन कंडक्ट करूँगा उसी को रिलेटेड। अच्छा, अभी आप ये देख लीजिए, ये है हम लोग का पाइल का प्लान। अगर टॉप व्यू इधर में देख सकते हैं कि 6 पाइल है एक केप में, और इसका डायमेंशन है आपका 7.3 बाई 4.2, सॉरी 4.3, ये पाइल केप का डायमेंशन हो गया। ये हम लोग का प्लान हो गया है वो टॉप व्यू से देखने से। तो ये अभी जो सामने में जूम किया हूँ ये हो गया आपका पाइल का क्रॉस सेक्शन, जो आपको पाइल ये करना है। इसमें देख सकते हैं आप लिखा है 20 नंबर्स, नीचे लिखा है सेक्शनल एलिवेशन शोइंग एबटमेंट, ये हो गया एबटमेंट का पाइल डिटेलिंग है। ये हो गया आपका स्टीरअप वगैरह का जो सेक्शन है वो हो गया साइड में। 20 नंबर्स 20 टॉर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 20 mm डाया का 20 बार वर्टिकली खड़ा होगा। उसका जस्ट ऊपर ही लिखा है 10 डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। इसका माने क्या हुआ? इसका माने ये हुआ कि 10 mm डाया का जो स्टीरअप लेना है आपको, और उसको जो वर्टिकली स्पेसिंग देना है ना, 20 mm का बार तो खड़ा होगा वर्टिकली, तो 10 mm का जो बार है वो खड़ा होगा बाइंडर एज ए वर्टिकली खड़ा होते होते जाएगा। अब इसमें आ जाइए, ये कास्टिंग जब कर रहे थे उसका टाइम का फोटो है, ये इसको हम बीएमसी बोलते जानते हैं, बीएमसी मशीन नाम है इसका। और दर एक्सकेवेटर फाउंडेशन था उसके लिए, मतलब फाइल फिलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो डी एम सी से हम लोग फाइल बोरिंग कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग कास्टिंग हम इसको यूज़ करना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं ट्रेमी पाइप। ऊपर का वाला हो गया हॉपर और नीचे का वाला हो गया है। ट्रेमी पाइप हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पाइलिंग में हम लोग कभी भी वाइब्रेटर मशीन यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डीएमसी मशीन में अगर हम ट्रेमी पाइप लगा देते हैं तो ट्रेमी पाइप का जो हॉपर है ऊपर में जो दिखाई दे रहा है उसमें से माल डाला जाएगा और एक एक ट्रेमी होते 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 वो नीचे चला जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग का जो कॉम्पैक्टिंग करना पड़ता है वो भी हो जाएगा, कोई आपका एयर भी नहीं रहेगा, कोई मतलब वो चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन अनदर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।